अगर आप अपने एंड्रॉइड फोन के सभी ब्राउजर से कोई स्पेसिफिक वेबसाइट ब्लॉक करना चाहते हैं या फिर आप नहीं चाहते कि कोई आपके फोन में कुछ वेबसाइट एक्सेस कर पाए, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप ये कर सकते हैं और ऐसा करने पर आपके फोन में सभी ब्राउजर्स पर वो साइट ब्लॉक हो जाएगी। अब फॉर एग्जाम्पल हम wired.com वेबसाइट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसका एक्सेस ब्लॉक करना चाहते हैं सभी ब्राउजर्स पर। तो सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाकर स्टे फोकस्ड ऐप डाउनलोड कर लें। सभी टर्म्स एंड कंडीशंस एग्री करने के बाद और सारी परमिशंस ग्रांट करने के बाद आप कुछ इस तरह का इंटरफेस देख पाएंगे। यहां से स्क्रॉल डाउन करके ब्लॉक साइट्स पर टैप करें। यहां आप लिस्टेड वेबसाइट्स में से भी सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर एड वेबसाइट पर टैप करके वेबसाइट एड कर सकते हैं। तो वेबसाइट का यूआरएल टाइप करके वेबसाइट सेलेक्ट करेंगे। अब वेबसाइट को आप इन सभी ऑप्शन से ब्लॉक कर सकते हैं। आप स्पेसिफिक डे एंड टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, आप नंबर चूज कर सकते हैं, उसके बाद आप वेबसाइट लॉन्च नहीं कर पाएंगे। टाइम सेट कर सकते हैं जिसके बाद वेबसाइट खुद ही ब्लॉक हो जाएगी, पर क्योंकि हम वेबसाइट हमेशा के लिए ब्लॉक करना चाहते हैं तो यूजेज लिमिट पर टैप करेंगे, डेली लिमिट पर टैप करेंगे, मंडे टू सैटरडे सेलेक्ट करेंगे, 0 आवर और 0 मिनट सेलेक्ट करेंगे और इस प्रोफाइल को सेव कर देंगे। आपने जो वेबसाइट ब्लॉक किया है वो आप यहां देख सकते हैं। चलिए क्रोम ब्राउजर में चलते हैं और वेबसाइट ओपन करके चेक करते हैं। आप देख सकते हैं वेबसाइट ओपन करते ही इस तरह का ब्लॉक स्क्रीन स्क्रीन पर आ जाएगा और यहां से आप सिर्फ बैक कर सकते हैं, वेबसाइट एक्सेस तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। और ये आपके फोन के सभी ब्राउजर्स में ये वेबसाइट ब्लॉक कर देगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दूसरे ब्राउजर में भी मैं ये वेबसाइट एक्सेस नहीं कर पा रहा हूं। अगर पीसी या लैपटॉप में इस तरह से वेबसाइट्स ब्लॉक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक या आई बटन पर क्लिक करके हमारा वीडियो जरूर देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा और आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक करेंगे और ऐसे ही टेक्निकली स्मार्ट रहने के लिए हमारे चैनल क्विक लाइब्रेरी को सब्सक्राइब जरूर करेंगे।